अगर आप देख रहे हैं रांची से दिल्ली के बीच जर्नी करने के लिए, तो आपके पास काफ़ी बेहतरीन ट्रेन के ऑप्शन हैं, जैसे कि झारखंड संपर्क क्रांति हो गई, रांची गरीब रथ हो गई, और इसके अलावा दो राजधानी एक्सप्रेस हो गई। और इससे पहले मैंने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाले व्लॉग में भी आपको उन ट्रेन्स की, तीनों राजधानी की कुछ हिस्ट्री बताई थी, उसी प्रकार से है इस राजधानी की भी हिस्ट्री। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बात करें रांची से दिल्ली के बीच, तो दो राजधानी एक्सप्रेस चलती हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेट लॉन्च हुआ इन ईयर 2001, जो कि वाया बोखरा स्टील सिटी होकर जाती थी। और स्टार्टिंग में ये राजधानी वीकली थी, लेकिन पब्लिक डिमांड बढ़ने की वजह से इन ईयर 2004 इसको जो है वाई वीकली कर दिया गया, और इसका ट्रेन नंबर है 20839। और पहली राजधानी के सेट के वाई वीकली होने के बाद भी ये डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पाई, और बल्कि डिमांड्स और बढ़ने की वजह से रेलवे ने कुछ ही टाइम बाद इन ईयर 2006 एक और राजधानी एक्सप्रेस का जो है सेट लॉन्च किया, जो कि वाया डल्टनगंज होते हुए आती है, और ये वाई वीकली राजधानी है। और आज हम इसी राजधानी एक्सप्रेस में जर्नी करने वाले हैं, ट्रेन नंबर 12453, रांची टू न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया डल्टनगंज। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु हियर एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। प्लेटफॉर्म पे लगा दिया गया है, लेकिन 5:10 का जो है इसका डिपार्चर का टाइम था, लेकिन अब ये है 5:25 में जो है ट्रेन ही लगाई गई है, तो पहले ही हम यहाँ पर लेट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कितनी देरी से हमें यहाँ से निकाला जाता है। और अब पीछे आप जैसे कलर देख लें, बिल्कुल तो साफ सुथरी धुली हुई जैसे कि ट्रेन आई हो, बिल्कुल तो मस्त चमक रही है। अब जल्दी से आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इस रांची राजधानी एक्सप्रेस की टाइमिंग्स एंड फेयर की। तो शाम को चलती है ये 5:10 पर रांची जंक्शन से, और नेक्स्ट डे हम पहुँच जाएंगे न्यू दिल्ली 10:55 पे, और ये जो है वाई वीकली राजधानी है। और अगर बात करें फेयर की, तो इसमें थर्ड एसी में आपको देने होंगे 2400, सेकेंड एसी में 2800, एंड एसी फर्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर देने होंगे 4400। और जैसे कि डायनेमिक फेयर इसमें लगता है, प्रीमियम ट्रेन है ये इंडियन रेलवेज की, तो प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है। जो फेयर मैंने आपको बताया है, इसमें केटरिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, बेडरोल वगैरह एवरीथिंग, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, प्रीमियम ट्रेन है, देश की राजधानी है ये। आज मैं जो हूँ थर्ड एसी में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो चलिए आपको एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ कैसा है थर्ड एसी का, इस रांची राजधानी का। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ बेहतरीन फीलिंग ही आएगी आपको, बढ़िया ब्लू कलर में, और मैंने ऐसा आपको पहले ही बताया कोचेस बेहतरीन चमक रहे हैं। और यहाँ पर टॉयलेट ज़रूर देखेंगे राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड क्लास के थर्ड एसी के कैसे हैं। तो यहाँ पर मिरर बेहतरीन साफ, इसके ऊपर लाइटिंग है, यहाँ पर बेसिन भी साफ सुथरी, और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी बेहतर लगता है बेसिन का। हैंड वॉश भी है, टॉयलेट साफ भी है, और सब कुछ बेहतरीन है। यहाँ पर जो है कोच के पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम है, एसी वगैरह ऑपरेट होता है। और अब चलिए अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं थोड़ा।
और यहाँ पर दो आपको सॉकेट्स मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेकिन जो है आपको साइड बर्थ में चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर पैसेंजर इंफॉर्मेशन स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें आपको डिस्टेंस, करंट स्पीड वगैरह, नेक्स्ट स्टॉप वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। ये आ गए हम दूसरे एंड पर। तो इंटीरियर वगैरह काफी बेहतर लगा मुझे। अब बस जल्दी से ट्रेन डिपार्चर ले तो हम अपनी जर्नी शुरू करें। वैसे भी लेट हो गई, मैं सोच रहा था कुछ आपको बाहर के सीन्स दिखा देता रात होने से पहले, लेकिन भाई अरमानों पे पानी फेर दिया यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, जर्नी तो बेहतरीन होने ही वाली है, हमारी राजधानी एक्सप्रेस है आखिर। तो करीब आधे घंटे की देरी से हम यहाँ पर रांची से डिपार्चर ले रहे हैं। एज ऑफ ऑल प्रीमियम ट्रेन्स यहाँ पर जो है हमको वाटर बॉटल दे दी गई है और कुछ जो है शाम का नाश्ता। लेट तो हो ही गई है ट्रेन, शाम रही नहीं, फिर भी शाम का नाश्ता आया है, जो उसको देखते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पर जो है हमारे पास आया है चना दाल, एक ये मिठाई, टोमेटो केचप, टिकट, एक समोसा। तो अभी तो मैंने जो है समोसा टेस्ट नहीं किया है, लेकिन गरम तो है, तो अंकल जी बताएंगे, अंकल ने कर लिया है कि कैसा समोसा यहाँ पर हमको सर्व हुआ है इस रांची राजधानी में। अंकल जी, समोसा टेस्टी था, बढ़िया था और बढ़िया। और मिठाई कैसी है? मिठाई भी अच्छी थी। वैसे क्या है मिठाई, मेरे को समझ ही नहीं आया। बेसन है, बेसन की बर्फी। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं अपने पहले हॉल्ट पे। ये आ गए हम अपने पहले हॉल्ट पे, बरकाकाना जंक्शन, स्टेशन कोड BRK। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1927 और इसको ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और जैसे कि हम रांची जंक्शन से आधे घंटे की देरी से ही चले थे, तो यहाँ भी आधे घंटे की देरी से ही आए हैं। पास जो है डिनर सर्व हुआ है, काफी लेट हो गया, करीब 9:30 हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या सर्व हुआ है, उसके बाद खा के आपको टेस्ट भी बताया जाएगा कि कैसा है डिनर। तो यहाँ पर हमको सर्व हुआ है कि मदर डेयरी का दही, मटर पनीर की सब्जी, दाल, जीरा राइस, पराठे, एक वेज मिक्स वेज, और मीठे में जो है गुलाब जामुन। तो अब खाना जो है, डिनर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ अंकल जी हैं, मतलब हमारे को पैसेंजर, तो इनसे जानते हैं कैसा था डिनर, इनको कैसा लगा है। डिनर बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्वाद लगा, जैसे घर पे खाना होता है बिल्कुल वैसा ही खाना। इतना तो अच्छा नहीं था अंकल, कुल क्या बताओ। ना बिल्कुल बढ़िया था यार, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था भाई। थोड़ा सा फीका सा लगा मुझे तो, मतलब जैसे दाल फ्राई थी, मतलब तड़का भूल गया उसमें, ऐसा कुछ। वो पता क्या होता है कि कई बंदे नमक ज्यादा खाते हैं, कई कम खाते हैं, तो हिसाब से ना वो बीच का
हाँ वो हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लगा मुझे, लेकिन किसी को बीपी, लेकिन ये है कि एवरेज था खाना, कि अपन ये नहीं कह सकते कि बुरा था। कोई किसी को बीपी की बीमारी होती है तो उसे ज़्यादा नमक वाला नहीं चलता, किसी का खून कम दौरा करता है तो उसे कम खून वाला नमक वाला नहीं। हाँ मतलब एवरेज खाना था। हाँ ये बात। और रसगुल्ले डबल डबल निकले, हमारे में सिंगल ही निकला। बहुत अच्छे रसगुल्ले थे, हमारे में सिंगल निकला। अरे सब में डबल है, ये क्या बात हुई भाई, पैकिंग वाले की मेहरबानी है। अच्छा अचार भी नहीं था, अचार भी नहीं था। अरे आपके में था? हाँ अचार नमक पूरा था भी। अंकल के में सब कंप्लीट था, इसका मतलब। तो ये आ गए हम डल्टनगंज स्टेशन कोड DTO, और यहाँ पर हम करीब 55 मिनट की देरी से चल रहे हैं। तो अब भाई बैक टू बैक जर्नीज है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस जर्नी में भी। तो और ट्रेन वैसे भी लेट हो चुकी है, तो अब यहाँ पर हम दो तीन स्टेशन जो है स्किप करने वाले हैं, गरवा रोड जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, और कोशिश पूरी रहेगी सुबह कानपुर सेंट्रल को कवर करने की। तो अब देखते हैं कब नींद खुलती है और कैसा क्या रहता है और ट्रेन कितना कवर कर पाती है। सो गुड नाइट गाइज। और हाँ एक और चीज़ बतानी थी मुझे आपको, अभी जो है मेरे गेट से उंगली में कट गया जिसमें ब्लड वगैरह आ रहा था, तो मैं बैंडेज लेने गया तो पेंट्री कार में मुझे मिल गई। अगर आप कभी भी राजधानी में ट्रेवल कर रहे हैं और ऐसा कुछ होता है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप पेंट्री कार में जाइए, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स जो है अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं जो भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए। और हाँ ये राजधानी की बता रहा हूँ मैं, और किसी की अभी मुझे नहीं पता भाई। तो गुड नाइट गाइस, अब जो है हम सुबह मिलते हैं और उम्मीद पूरी है कानपुर सेंट्रल पर मिलेंगे। और अभी हम डल्टनगंज से जो है डिपार्चर ले रहे हैं। तो ये आ चुके हैं हम कानपुर सेंट्रल स्टेशन कोड CNB, और इंडिया में ऐसे कुछ ही स्टेशन हैं जिनके आगे सेंट्रल लगा हुआ है, और उन्हीं में से एक है कानपुर सेंट्रल। और रात में मैंने आपको बताया हम करीब 50 से 55 मिनट की देरी से चल रहे थे, लेकिन भाई राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं तो टाइम की टेंशन मत लीजिए। ट्रेन जो है अपने यहाँ पर शेड्यूल टाइम के हिसाब से राइट टाइम आई हुई है। और वैसे तो पहले भी मैं कानपुर सेंट्रल से निकल चुका हूँ, और एक बार डिब्रूगढ़ राजधानी से भी निकला था, लेकिन तब मैं उठा नहीं था सुबह क्योंकि हमने स्किप किया था कानपुर सेंट्रल। लेकिन मन में एक चीज़ थी कि हाँ कभी राजधानी एक्सप्रेस से किसी बेहतरीन प्रीमियम ट्रेन से जो है एंटर करें और उसका डिपार्चर लें यहाँ से, तो आज वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज यहाँ से अभी डिपार्चर लेंगे थोड़ी ही देर में, तो चलिए अब ट्रेन में चलते हैं, टाइम होने ही वाला है बस डिपार्चर का। जैसे कि यहाँ पर सुबह हो चुकी है और हमारे पास आ चुकी है मॉर्निंग टी या कॉफ़ी, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने ली है कॉफ़ी और ये पार्ले का मैरी का बिस्किट।
है हमारे पास ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या सर्व हुआ है ब्रेकफास्ट में, उसका टेस्ट करने के बाद बताएंगे क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में हमारे पास आया है ब्रेड, कटलेट, ये वर्का का बटर, केचप, एक चॉकलेट एंड टी किट। तो चलिए अब इटावा जंक्शन का स्किप देखते हैं और इस स्टेशन पे मैं पूरी रात रुका था और उसने कुछ बेहतरीन ब्लॉग तैयार किया था, तो उसको आप आई बटन में देख सकते हैं। और यहाँ पर धीमी धीमी स्पीड में हम ओवरटेक कर रहे हैं किसी ट्रेन को, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। भुवनेश्वर राजधानी, यहाँ पर हमने ओवरटेक कर रहे हैं भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को। राजधानी ओवरटेक, राजधानी वाला किस्सा है भाई ये तो। पता है भाई साहब, पता है। यहाँ पर भुवनेश्वर राजधानी का भी जो है सिग्नल हो चुका है, तो अब साथ साथ चल रही है दोनों राजधानियाँ। यहाँ पर भुवनेश्वर राजधानी आगे निकल चुकी है, तो यहाँ पर मुझे लगा कि हमने भुवनेश्वर राजधानी को ओवरटेक कर लिया, बट ऐसा नहीं हुआ, वो तो आगे ही निकल गई और रेस में भी जीती। और अभी आगे ही निकल चुकी है और हम यहाँ पर स्लो डाउन हो चुके हैं। और अभी मैंने आपको ब्रेकफास्ट नहीं बताया, तो ब्रेकफास्ट भी इस राजधानी का जो है एवरेज ही था, कुछ खासा ब्रेकफास्ट नहीं था। तो यहाँ पर अभी व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। अभी मैं ट्रेन से उतर के जो है न्यू दिल्ली स्टेशन पर वीडियो शूट कर रहा था, तो दो टीटी आ गए, कह रहे कैमरा जब्त हो जाएगा, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। पता नहीं भाई क्या चक्कर है इन लोगों का, कि मतलब इतना ज़्यादा कि आप वीडियो नहीं बनाने दे रहे, फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे, पता नहीं इन लोगों का, मुझे समझ ही नहीं आता यार क्या चक्कर क्या है। और वैसे अगर कोई ट्रेन लॉन्च होती है नहीं तब तो ये मना नहीं करता कोई भी रेलवे का कर्मचारी, तब तो जो है सभी बनाते हैं। बस वही है जब इनका प्रमोशन हो रहा है तब इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो और बाकी टाइम हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत है। क्या कर सकते हैं ये लोग ना यार, हद करे हैं। मुझे तो लग रहा है अगर ऐसे ये लोग बोलते रहेंगे हर जगह, ट्रेन में भी और स्टेशन पे भी, तो भाई कब वीडियो बनाएंगे आखिर, फिर तो जो है
स्टेशन के बाहर से ही सारा डिटेल शूट करनी पड़ेगी और काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोशिश में लगे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो बनानी है आखिर, कितना भी कोई कुछ भी कहे। तो चलिए वापस रेलवे स्टेशन पर और एंड करते हैं इस ब्लॉग को। तो ये आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली, स्टेशन कोड NDLS, और यहाँ पर जो है हम बिल्कुल अपने टाइमिंग से, एकदम परफेक्ट टाइमिंग से पहुँचे हैं। और मुझे इस ट्रेन की जर्नी एवरेज लगी, कुछ खासा नहीं लगी, क्योंकि कोचेस में उतना ज़्यादा कम्फर्ट भी नहीं था और खाना भी एवरेज था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मतलब मैंने डिब्रूगढ़ राजधानी में भी पूरा ट्रैवल किया है, वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला ब्लॉग भी। और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं आए अभी तक तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID, तो वहाँ भी बातचीत होती रहेगी। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, और यहाँ से अब करीब 4 घंटे बाद मेरी एक शताब्दी एक्सप्रेस में जर्नी होने वाली है। अगर आपको पता है कौन सी शताब्दी होने वाली है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और गेस करिए थोड़ी भाई, कोशिश करिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज Himanshu saying bye from देश की राजधानी नई दिल्ली।